गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, वी आर ऑन चैप्टर नंबर 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, एंड इन दिस क्लास विल कम्प्लीट दिस चैप्टर बाय कम्प्लीटिंग अवर टू टॉपिक्स, बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ एंड अवर लास्ट टॉपिक मैन्स रोल इन द एनवायरमेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक, बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ द लाइफ. So in this chapter, we have seen that there are four major domains of the earth. First is lithosphere, second is hydrosphere, the third one is atmosphere, and the last one is biosphere. So what is the definition of biosphere? The zone where all living organisms on earth are found called the biosphere. ऐसा जोन जहाँ पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ आर फाउंड, इसे कहते हैं बायोस्फीयर. तो ये एक ट्रांजिशनल बोलेंगे हम, एक एरिया है जिसमें एटमॉस्फेयर भी हमें देखने को मिलेगा, हमें लिथोस्फेयर भी देखने को मिलेगा, हमें हाइड्रोस्फेयर भी देखने को मिलेगा. ये वाला जो पोर्शन हुआ, मतलब तीनों से कनेक्टेड पोर्शन, ट्रांजिशनल पोर्शन, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बायोस्फीयर. नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे लिथोस्फीयर इज़ रिलेटेड टू लैंड, एटमॉस्फेयर इज़ रिलेटेड टू एयर, एंड हाइड्रोस्फीयर इज़ रिलेटेड टू वाटर. सो नीचे बीच में जो डायग्राम हम देख रहे हैं, जिसमें कुछ एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स बेस किस पे खड़े हैं? वो लिथोस्फेयर पे खड़े हैं. तो हमारा लिथोस्फेयर हो गया डन, कनेक्टेड है, ठीक है, ज़मीन पे खड़े हैं. उसके बाद अब हम देखें, बगल में ही पानी है, तालाब है, उससे हमारा हाइड्रोस्फेयर डन हो जाता है. एटमॉस्फेयर, वो ब्रीथ कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, तो हमारा एटमॉस्फेयर भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है. तो इन तीनों का मिक्सचर क्या है? बायोस्फीयर है, जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं. एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर का तीनों का मिक्सचर. इट इज़ द लाइफ सस्टेनिंग जोन. लाइफ सस्टेनिंग जोन है ये, वेयर एलिमेंट्स ऑफ एटमोसफेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर इंट्रैक्ट, सभी एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं. एंड वी हैव डिस्कस दिस डायग्राम. द टर्म बायोस्फेयर, एंड यू हैव टू अंडरलाइन द फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ, जिसमें डेफिनेशन दी गई है बायोस्फेयर की. द टर्म बायोस्फेयर मे ऑल्सो रेफर कलेक्टिवली टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड बायोस्फेयर के अंदर हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं. हम एटमोसफेयर में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेस, मतलब लिथोस्फेयर से रिलेटेड नहीं है. हम ना तो हाइड्रोस्फेयर में रिलेट कर सकते हैं, हम ना ही लिथोस्फेयर में. हम किस में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को और उनके इंट्रैक्शन को एक तरीके से रिलेट करेंगे कलेक्टिवली? वो है बायोस्फेयर. They range from tiny microbes and bacteria to huge mammals like blue whale. अब बायोस्फीयर में छोटे छोटे एनिमल्स या फिर बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े मैमल्स तक आते हैं, क्योंकि छोटे बैक्टीरियाज लिथोस्फेयर या फिर एटमोसफेयर में हमको मिल गए, और हमें बड़े बड़े जो मैमल्स हैं, जैसे यहाँ पर ब्लू व्हेल के नाम लिया है, तो वो हाइड्रोस्फेयर में मिल गई. और ये क्या है? बायोस्फीयर, तीनों का इंट्रैक्शन ही तो है. तो बायोस्फीयर में सभी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं. देयर आर अबाउट 20 million स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स एंड फंगाई. दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम. टू किंगडम्स में डिवाइड कर दिया है, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम. एनवायरमेंटल कंडीशंस इन्फ्लुएंस देयर डिस्ट्रीब्यूशन. एंड जहाँ पर जैसा जो एनिमल है, जैसा जो प्लांट है, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन वो बर्दाश्त कर सकता है. जैसे पोलर बियर कोल्ड रीजन्स में रहता है, वो डेजर्ट में जाके नहीं रह सकता है. वहीं जो कैमल है, वो डेजर्ट इलाके में रहता है, वो जाके कोल्ड रीजन में नहीं रह सकता. उसी तरीके से कुछ प्लांट्स होते हैं जो पर्टिकुलर एरिया में ही हमें मिलते हैं. तो इन्हीं की कंडीशन, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स की जो कंडीशंस हैं, वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस, जो उनकी लिविंग कंडीशंस हैं, वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को एक तरीके से डिफाइन कर रही है. द कंडीशंस डिटरमाइन द नेचुरल होम और हैबिटेट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. द ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट एंड लिंक्ड टू ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल. सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. फूड चेन हमने देखी है, किसी को कोई खाएगा फिर कोई खाएगा, फिर ऐसे तरीके से फूड चेन चलती है.
तो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, साथ रहकर ही काम करते हैं या फिर लाइफ को जीते हैं. द इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एज वेल एज टू देयर सराउंडिंग्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज इकोसिस्टम. हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कनेक्शन, और अगर हम बात करें नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, हमारे सराउंडिंग्स के साथ जो एक तरीके से इंटरडिपेंडेंस है, हम लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो इकोसिस्टम कहलाता है. आपको अंडरलाइन करना है. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ इकोसिस्टम की डेफिनेशन को. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. द इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर, जैसे जो एनिमल्स हैं, जो हम एनिमल्स पे कुछ तरीके से डिपेंड करते हैं, हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, तो हमारी इंटरडिपेंडेंस हो गई एक दूसरे के ऊपर. टू देयर सराउंडिंग्स, सॉरी ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर, हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एनिमल, मैन एंड ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट, सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है. एज वेल एज टू देयर सराउंडिंग्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी हमारा एक तरीके से कनेक्शन है, इंटरडिपेंडेंस है, वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम. कॉपरेशन एंड कोएग्जिस्टेंस ओनली कैन गारंटी द कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट. अगर हम एक दूसरे के साथ रहकर चलेंगे तभी लाइफ पॉसिबल है. अदरवाइज मान लिया हमने सभी एनिमल्स को मार दिया तो क्या बैलेंस बना रहेगा? बिल्कुल नहीं. हमने सभी प्लांट्स को ख़त्म कर दिया, जला दिया, तो क्या बैलेंस बना रहेगा? बिल्कुल नहीं. क्योंकि कॉपरेशन एंड कोएग्जिस्टेंस, मतलब आप भी एग्जिस्ट करते हैं तो हमारी भी लाइफ जीने का उतना ही हमें अधिकार है. तो साथ रहकर मिलकर चलने से ही जो हमारा ब्यूटीफुल प्लैनेट है वो, उस पर लाइफ की कंटिन्यूशन बनी रहेगी. अदरवाइज आप किसी एक को दबाते हैं तो लाइफ एक तरीके से बैलेंस खो देगी. अ चेंज ऑफ एनी वन डोमेन में लीड टू अ चेंज इन बायोस्फीयर. किसी एक में भी चेंजेस आते हैं, इन तीन डोमेन्स में भी, तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा? सीधे सीधे बायोस्फीयर पर इफेक्ट पड़ेगा. इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इन फैक्ट हैज़ बीन अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन लैंडस्केप, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. इवन नाउ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, सुनामी 2004, सबमर्ज पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. पर कभी कभी कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. जैसे 2004 में सुनामी आई थी, उससे बहुत सारे आइलैंड्स पानी के नीचे दब गए थे. नाउ विल डिस्कस लास्ट टॉपिक विच इज़ मैंस रोल इन द एनवायरनमेंट. मैन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर. हम यहाँ की बात कर रहे हैं, हम इन तीनों डोमेन्स की बात नहीं कर रहे. तो मैन एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, पार्ट प्ले करता है, बट हिज अनसस्टेबल नीड्स और ग्रीड हैव ग्रेटली अफेक्टेड द एनवायरनमेंट. पर उसकी ज़रूरतें ही इतनी हैं जिससे वो एनवायरनमेंट में एक तरीके से बैलेंस नहीं बना पाता है. अब लैंड सरफेस एरिया की बात करें, लिथोस्फीयर की बात करें, उसे चाहिए ज़मीन ज़मीन ज़मीन. अब वो यहाँ क्या करता है? वो प्लांट्स को कट करता है. तो उसने क्या किया? बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश की अपनी नीड्स के लिए. दूसरों को नुकसान पहुँचाने से वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता है. बाय डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पर नाम आ गया डिफॉरेस्टेशन का, प्लांट्स को कट करने के लिए. बाय डिफॉरेस्टेशन मैन हैज़ डैमेज सॉइल, फॉरेस्ट कवर हैज़ बिन रिमूव्ड. लिथोस्फीयर की बात हो रही है यहाँ पर. सबसे पहली बात, सॉइल ख़राब हो जाती है. सॉइल जब पेड़ उगते हैं तो सॉइल उन्हें पकड़ के रखती है. अब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो सॉइल क्या होगा? सॉइल का इरोजन हो जाएगा. तो सॉइल की बर्बादी हो गई, हमने फॉरेस्ट को जला दिया, हमने फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया. अब फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं, वाइल्ड लाइफ रहती है, उस पर भी हम लोगों ने, उसको भी हमने डेंजर में डाल दिया. इवन मैंस ओन एग्जिस्टेंस इज थ्रेटन्ड. मैन हैज़ पोल्यूटेड एयर, वाटर, लैंड बाय डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेजेस एंड स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स. इसने लिथोस्फीयर को तो नुकसान पहुँचाया, खुद की लाइफ को भी नुकसान पहुँचाया. पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है कि एयर एंड वाटर दोनों ही पोल्यूटेड हो चुके हैं. लैंड भी, सॉरी जो इंडस्ट्रियल वाटर है, स्मोक है, दिल्ली में स्मोक ही कितनी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है. तो ये ह्यूमंस की जो हम बोलेंगे उनके काम है, उन्हीं का तो हमें फल मिल रहा है. ओके, इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस, सॉरी इन द प्रीवियस क्लासेस हमने डिस्कस किया था, कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है. तो इंक्रीज
ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक हैड लेड टू ग्लोबल वार्मिंग. अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है हमने पढ़ ली थी कंपोजिशन में कितनी है. अब जब क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती जाती है तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारे ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होते जाएंगे. ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो वाटर का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा. वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा तो जो किनारे के जो पार्ट्स हैं वो डूबते जाएंगे. तो एक चीज़ दूसरे पर डिपेंड करते हुए ही चलती है. नेचुरल रिसोर्सेज आर बींग यूज रैपिडली. जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, कोल, पेट्रोलियम, उसका अंधाधुंध यूज हो रहा है. सोच समझ को तो यूज़ होता नहीं है. लाइट जली है तो जली है. हम रूम के बाहर चले गए, लाइट जली है, पता नहीं किसके लिए जली है. हमने क्या किया, रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग. देयर इज़ नो कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशन. बिल्कुल सोच ही नहीं रहे आगे आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें हम लायन, टाइगर्स और ऐसे एनिमल्स को दिखा पाएंगे नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ये कुछ गिनती के ही रह गए हैं. हम लोग बस उन्हें टीवी में दिखाएंगे कि ये एनिमल ऐसा दिखता था. हम लोग तो रियलिटी में आप देख सकते हैं, पर आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए शायद बहुत सारी स्पेसीज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी. इफ वी वॉन्ट द अर्थ टू रिमेन ब्यूटिफुल विद लाइफ ऑन इट, वी हैव टू चेंज अवर एटीट्यूड. वी शुड नॉट ट्राई टू डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द एनवायरमेंट. अवर मोटो शुड बी लिव एंड लेट लिव. जियो और जीने दो की जो मोटो है उस पर हमें कायम रहना चाहिए, उसे ही फॉलो करना चाहिए. आप भी जियो, हम भी जीते हैं, एंड तभी ये जो ब्यूटिफुल प्लानट है वो बना रहेगा, अदरवाइज ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा. वी शुड यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू बेटर द अर्थ, नॉट टू रुइन इट. हमारे पास जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई है उसे अर्थ को बेटर बनाने में यूज़ करना है, न कि अर्थ को बर्बाद बनाने करने में यूज़ में लेना है. सो बाय दिस टॉपिक वी हैव कम्प्लीटेड चैप्टर नंबर 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. एंड वी हैव डिस्कस ऑल द डोमेन्स ऑफ अर्थ. First we have done lithosphere, second we have done hydrosphere, third we have done atmosphere, and the fourth one is biosphere. I hope you all have understood all these topics very well. So that's it for today's class. Thank you.